अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि डिटॉक्स वाटर यूज़ करके आप किस तरह से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। अच्छा, डिटॉक्स वाटर को यूज़ करने से क्या होता है कि डिटॉक्स वाटर आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है और आपकी जो ब्लोटिंग होती है उसको रिड्यूस करता है और आपकी प्रॉपर फंक्शनिंग कराता है ऑल सिस्टम्स ऑफ द बॉडी की। और जो आपका जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, उसको भी रिमूव करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं डिटॉक्स वाटर में। आप कुछ भी कॉम्बिनेशन बना के आप इसे जो है वो एक बड़े जग में आप पानी में डाल के यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आप लेमन और मिंट भी डाल सकते हैं, एप्पल और सिनेमन का भी बना सकते हैं, ज़ीरा वाटर भी ले सकते हैं, लेमन और जिंजर भी डाल सकते हैं, और सिर्फ जिंजर वाटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल डिटॉक्स वाटर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और मुझे शायद इसलिए याद नहीं आ रहे क्योंकि मैंने कभी डिटॉक्स वाटर यूज़ नहीं किया। ठीक है, अच्छा, ये ही मैं आपको बताना चाह रही थी कि अगर किसी को पानी का टेस्ट पसंद नहीं है तब तो मैं ये कहती हूँ अपने क्लाइंट से कि वो एक पानी का जग जो है वो फिल करके रख लें और उसके अंदर जो भी उन्हें टेस्ट पसंद है, फ्रूट का टेस्ट पसंद है तो एप्पल डाल लें, ऑरेंज डाल लें, मिंट का टेस्ट पसंद है या लेमन वो डालना चाहते हैं ताकि उनका टेस्ट जो है वो ज़रा थोड़ा सा अच्छा हो जाए और वो पानी का इनटेक ले लें। अच्छा, इसके अंदर मैजिक क्या है इस डिटॉक्स वाटर में, जो इतने कॉम्बिनेशन का मैंने आप लोगों को बताया कि आप कुछ भी इसको डाल के पी सकते हैं, तो इसमें जो मैजिक है, इसमें जो डिटॉक्सिफाई कर रहा है बॉडी को, वैसे तो हमारा बॉडी का इंटरनल सिस्टम जो होता है वो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है बाय लिवर, लेकिन पानी भी आपकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो इसके अंदर मेन चीज़ जो है, मेन मैजिक जो है वो पानी है। ये नहीं हो सकता कि आप उसके अंदर अगर लेमन डाल रहे हैं, मिंट डाल रहे हैं या ज़ीरा डाल रहे हैं, क्यूकम्बर ऐड कर रहे हैं या जो भी चीज़ आप उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वेट लॉस। हाँ, वो आपका टेस्ट इन्हांस कर देगा, आपका टेस्ट अच्छा कर सकता है, उसके अंदर थोड़े से उसके फ्लेवर या उसका थोड़ा सा अफादियत तो आपको मिलेगी, लेकिन वेट लॉस इससे नहीं होगा। वेट लॉस, हाँ जी, पानी से बिल्कुल हो सकता है। तो अगर आपको ये कोई कह रहा है कि ये आप, और एम्प्टी स्टमक लोग ले रहे होते हैं, हाँ मुझे अब याद आ रहा है कि एप्पल साइडर विनेगर भी ऐड करते हैं कुछ लोग और एम्प्टी स्टमक लेते हैं, लेमन वाटर भी यूज़ करते हैं, एम्प्टी स्टमक लेते हैं, तो उस वक्त तो बाज़ लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो है वो कुछ अर्से के बाद उनको अल्सर्स होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि अगर आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको अपना टेस्ट अच्छा करना है या किसी और रीज़न की वजह से आप उसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल करें, लेकिन वेट लॉस के लिए आप काइंडली ना करें। और एम्प्टी स्टमक तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप जो है वो एम्प्टी स्टमक तो बिल्कुल इस तरह की चीज़ें ना लें। एम्प्टी स्टमक आप सिर्फ सिंपल पानी लें, वो ही आपका प्रॉपर वेट लॉस करवाएगा। ओके, तो मेरे पास इतने मैसेजेस आ रहे थे, आज भी मेरे पास इतना इनबॉक्स पूरा फुल था कि हम ज़ीरा डाल लें, ज़ीरा लेना ज़्यादा बेहतर है या हाँ अजवाइन का भी मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि अजवाइन का पानी पी लें, सौंफ का पानी पी लें, ज़ीरे का पानी पी लें। बिल्कुल आप पी लें, उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है, लेकिन इससे वज़न कम हो जाएगा तो ये नहीं हो सकता। वज़न कम करने के लिए आपको अपनी प्रॉपर डाइट भी लेनी होगी, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, और उन सब डाइट के साथ साथ आप वाटर इनटेक जो करेंगे तो जो मैजिक है दैट इज़ वाटर। ओके, तो आई होप कि मैंने आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो क्लियर कर दी हैं डिटॉक्स वाटर के हवाले से। तो अब आप लोग समझ जाएँ कि डिटॉक्स वाटर इज़ नॉट फॉर वेट लॉस, सिर्फ पानी है, और आप अपनी कैलोरीज अब अपनी जो है वो ध्यान से रख के खाएं, रिफाइंड कार्ब्स ना लें, जैसे कि मैंने पहले अपनी वीडियोस में बताया है, प्रोटीन की ज़्यादा क्वांटिटी लें और फाइबर की ज़्यादा क्वांटिटी लें, और प्रोटीन और फाइबर की एब्जॉर्प्शन के लिए भी पानी को ज़्यादा लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों के सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।